Auntie, you can unmute yourself and start with the satsang. Rupanti, if you could hear me, kindly unmute yourself. Sangha ji, owing to some technical difficulty, I believe Rupa auntie is not able to unmute herself. There she is. Hello. Auntie, Hello. Yeah, auntie, Yeah. please. Jai Guruji, auntie. You know, it's always showing the host is not allowing you to unmute. So that's where the problem is coming. Oh, is it? I made you the co-host, auntie. His darbar, his ways. Auntie, you can please start with the satsang. Shukrana okay, Guruji. Thank you, auntie. Okay, auntie. Namaste, Pyari Sangaji. Shukrana Guruji for giving me the seva of doing the satsang today and singing your praises. Love you, Guruji. Today's vachan is very beautiful and I love it. It's Gupt Dan and Gupt Dhyan. So first I will tell you about Gupt Dan. Guruji always said, कि जो भी तुम दान देते हो तुम्हारे राइट हैंड से भी दो तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने क्या दान दिया है. एंड दान डजंट ओनली मीन कि तुमने पैसे का दान देना है. अगर तुम पैसे का दान नहीं भी दे सकते, अपना समय दो किसी को चाहिए तो, एजुकेशन का दान दो, अपने टाइम का दान दो, विच इज द बिगेस्ट दान वन कैन गिव टू एनीबडी. अपना टाइम दो, उसकी सेवा करो. सो दैट इज अ दान, दैट इज गुप्त दान. नॉट टू शो बाजी कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं. जो करना है काम चुपचाप से कर लो. एंड गुप्त ध्यान, ध्यान इज ऑल्सो लाइक दैट कि आप आंखें बंद करके अपना ध्यान करो. नॉट टू शो टू द पीपल कि हम लोग ये पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी पूजा करते हैं हम, एक घंटा पाठ करते हैं, एक घंटा मंत्र जाप करते हैं. नो, जो आपने करना है चुपचाप से करो और मन ही मन आपके मन में पाठ चलते रहना चाहिए, मंत्र जाप चलते रहना चाहिए. सो दैट इज गुप्त ध्यान. So now, auntie, can I start my satsang? Sure, auntie. Thank you, auntie. Okay. मेरी झोली छोटी तेरी बख्शीशें हजार मालिक कहां से शुरू करूं.
सबसे पहले थैंक यू उन आंटी का जो मुझे गुरुजी के पास लेके गए, और उससे भी पहले थैंक यू गुरुजी का और उस पल का जब उन्होंने मेरे बारे में सोचा और मुझे अपने चरणों में बुलाया। ये 2004 की बात है कि वो आंटी की लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी की बातचीत शायद चल रही थी आपस में। तो आंटी ने गुरुजी को बोला होगा कि ये दोनों बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने आंटी को बोला कि मुंडे दी मां नू लेके आई। तब आंटी ने मुझे बोला कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तब मैं गुरुजी के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन बेटे से कभी कभार सुना था कि वो प्रियंका के साथ गुरुजी के पास जाता है कभी कभी, और वहां ये लोग बैठते हैं, लंगर करते हैं, मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब गुरुजी ने मुझे बुलाया तो मैंने भी बोला ठीक है हम चलेंगे। लेकिन ये करते करते 2-3 हफ्ते निकल गए, फिर आंटी ने फिर बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो फिर हमने प्रोग्राम बनाया और हम आधे रास्ते में मिले। हम लोग उधर रहते थे ग्रेटर कैलाश के साइड और ये लोग ग्रीन पार्क में थे। हम लोग आधे रास्ते में मिले और गाड़ियां हमने आगे पीछे करके एम्पायर स्टेट पहुंच गए। और वहां जब गाड़ियां लगा के अंदर जा रहे थे तो मैं थोड़ा आगे थी, वो आंटी थोड़ी पीछे हो गई लाइन में, लेकिन फिर भी देखा मैंने अंदर जाके तो इतना हॉल इतना भरा हुआ उन दिनों में नहीं होता था। लेकिन गुरुजी अपने गद्दी पे बैठे हुए बिल्कुल अलग ही एक ऑरा था उनका, जैसे आसमान में चांद चमक रहा होता है, गोल सा चेहरा, गोल एक ऑरा साइड चारों तरफ उनके। आई कुड नॉट टेक माय आईज ऑफ हिम। स्लोली स्लोली लाइन आगे चलती रही, अंकल आगे करते रहे सबको। तो मैंने देखा सब लोग माथा टेक रहे हैं, तो मैंने भी माथा टेका और कोई बात नहीं हुई। गुरुजी ने इशारा किया कि जाओ बैठो। फिर वो आंटी की बारी आई, आंटी ने भी माथा टेका, वो भी आके बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद भजन चलते रहे, सबने आराम से सब आंखें बंद करके बैठे हुए थे। चलते चलते मेरे फिर लंगर का टाइम हो गया, सबने लंगर करा, बाहर गए हाथ धोने के लिए, वापस आए तो गुरुजी ने फिर सबको प्रसाद दिया। फिर प्रसाद खा के फिर हाथ धोने के लिए गए। फिर गुरुजी के छोटे छोटे हाथों से प्रसाद इतना बड़ा बन जाता था कि हमारे हाथों में वो पूरा नहीं आता था, दो हाथों में। खैर वो प्रसाद खाया, हलवा प्रसाद खाया, फिर हाथ धोने गए, फिर आके बैठ गए। फिर लोग आज्ञा लेने चले जाते थे। अब गुरुजी ने जिनको बिठाना होता था उनको वो इशारा कर देते थे कि बैठो, और जिनको भेजना होता था वो इशारा कर देते कि चंगा जाओ। अब हमारी बारी आई तो तब हम आंटी और मैं साथ साथ ही थे। तो तब आंटी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये मुंडे थी माँ रचित। तो गुरुजी का पता है, बैठो। तो हम लोग बैठ गए, सब लोग बैठे हुए थे शांति से। कोई पाठ तो नहीं उस टाइम चल रहा था, शायद कोई पंजाबी के गाने चल रहे थे। तो हम लोग बैठ गए वहां पे, सुनते रहे, बड़ी देर हो गई। फिर से एक बारी चाय प्रसाद आ गया, संगत बहुत सारी चली गई आज्ञा लेके, गुरुजी ने सबको भेज दिया। हम लोग बैठे रहे। तो मैं यही सोचती रही कि अब गुरुजी ने मुंडे की माँ को बुलाया तो शायद कोई बात करेंगे या पूछेंगे मुझसे या कोई बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं हुई। 12:30 एक बज गए, गुरुजी ने कहा जाओ, हम आ गया, मिल गई। हम लोग अपना घर आ गए। इसी तरह से ये सिलसिला 2-3 हफ्ते चलता रहा। जाते हम लोग बैठ जाते, लंगर प्रसाद करते, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती, कुछ लोगों के सत्संग सुनते, कनेक्शन आस्ते आस्ते बढ़ता गया और वहां जाना अच्छा लगने लगा कि वहां बैठो, लंगर प्रसाद खाओ। फिर वहां देखा कि मैंने गुरुजी हमेशा कहते थे कि जड़ा भी प्रसाद इतने मिलता है वो इतने खा के जाना है, लेकिन हम लेडीज को लालच होता है कि प्रसाद थोड़ा सा घर में बचा के ले जाएं बच्चों के लिए और जो बच्चे नहीं आ पाए उनके लिए। तो ऐसे ही किसी दिन हलवा प्रसाद नहीं मिला हमें, और हमें तो थोड़ी बर्फी या लड्डू प्रसाद कुछ मिला। तो प्रसाद तो हमने ले लिया मुट्ठी भर के बहुत सारा। तो बाहर जाके मैंने एक टिश्यू में थोड़ा सा प्रसाद अपनी पॉकेट में रख लिया और आके हम लोग वापिस बैठ गए, लंगर प्रसाद किया। और लंगर प्रसाद भी खत्म हो गया तो मैं देख रही हूँ कि गुरुजी जैसे ना एक तक मुझे ही देख रहे हैं, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ ली गई हो या फिर
जैसे समझ में नहीं आई क्या क्या एक्सप्लेन करूं, पर मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी चोरी पकड़ ली है गुरुजी ने कोई, और वो देखे जा रहे हैं, और मैं बिल्कुल लंगर खाते खाते भी बड़ी नर्वस हो रही थी। तो जैसे ही लास्ट हमारी ग्राही अभी चली रही थी तो ये अंकल को उन्होंने बुलाया और कुछ कान में उनके बोला। तो फिर अंकल ने खड़े होके बोला कि गुरु जी कह रहे ना जिन्ना जिन्ना ने लंगर प्रसाद छुपाया वो इथे ही खत्म कर लेन, वो इथे वास्ते ये ब्लेसिंग है ज्ञान है। तो उस टाइम मेरी हालत तो बिल्कुल जैसे पानी पानी होने हो गई थी, फिर भी मैंने पॉकेट में से अपना नैपकिन निकाला, उसमें से प्रसाद निकाला और वहीं पे हमने खा लिया। तो गुरु जी को सब पता रहता है कि कौन संगत, चाहे वो माहौल के एंड में बैठी थी या पिलर के पीछे बैठी है, क्या वो ऊपर है या नीचे है, क्या वो कर रही है, क्या उनके पास है, यहाँ तक इवन क्या वो सोच रहे हैं, सब गुरुजी को अंदर ही अंदर खबर रहती थी। और उस टाइम भी हम लोगों ने फिर उठे, फिर अपना आज्ञा ली, फिर गुरुजी को भी बिठा लें कभी भेज दें, और दो तीन हफ्ते निकल गए। यूं ही एक दिन शाम को बैठे हुए थे लंगर प्रसाद से पहले, तो एक अंकल आए, गुरुजी के हाथ में एक पैकेट पकड़ा गए। पैकेट में उस टाइम तो नहीं मालूम था कि क्या है, तो गुरुजी थोड़ी थोड़ी देर में किसी को अपनी छोटी सी प्यारी सी उंगली से इशारा करते और उनको बुलाते अपने पास, और वो लिफाफा उनको दे देते। उसमें से छोटे छोटे लिफाफे थे वो निकाल के उनको पकड़ा देते। फिर वो किसी को बुलाते हैं तो करते करते 10-12 लिफाफे उन्होंने बांट दिए। तो मैंने सोचा शायद कोई शादी के कार्ड हो गए, क्योंकि सुना था गुरुजी कोई शादी में या किसी के सत्संग में कोई कोई गिनी गिनी चुनी संगत को बुलाते हैं। तो मेरे माइंड में यही था कि शायद कोई शादी का या कार्ड होगा या कुछ होगा, पर मुझे गुरुजी क्यों देंगे, मैं तो अभी मतलब मुझे तो अभी 5-6 हफ्ते ही आए हुए ना, मैं किसी संगत को जानती हूँ इतना पर्सनली कि कोई मेरे को शादी के लिए बुलाएंगे, पर क्योंकि गुरुजी देते थे तो गुरुजी तो सबको ही जानते थे। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गुरुजी मेरी तरफ देख के इशारा कर रहे हैं उंगली से। तो मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि वो मेरे को बुला रहे होंगे। तो मेरे साथ में आंटी बैठी थी, उनको बोला, मैं कहा आंटी शायद आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो आंटी ने कहा नहीं आंटी आपको बुला रहे हैं। तो मैं थोड़ी नर्वस सी हो गई, मैं कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं गुरुजी। फिर आंटी ने बोला आंटी अब जाओ गुरुजी बुला रहे हैं। तो जैसे मैं गुरुजी के चरणों में पहुंची मत्था टेका, तो गुरुजी ने उसमें से एक लिफाफा निकाल के मुझे दे दिया। तो लेके मैं मत्था टेक के वापस आके अपनी जगह में बैठ के लिफाफा मैंने अपनी गोदी में रख लिया। अब उस टाइम तो खोल के नहीं देख सकती थी मैं क्या है, ना ही कोई और खोल रहा था। फिर हमने लंगर प्रसाद किया और फिर गुरुजी से आज्ञा ली और घर चले आए। फिर कार में मैंने वो लिफाफा खोल के देखा तो उसमें गुरुजी का बहुत ही सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट चोले में उनका स्वरूप, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट चेक शॉल पहनी हुई है उन्होंने। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि उन दिनों में गुरुजी के स्वरूप बहुत ही कम मिलते थे, कोई गिनी चुनी किसी के हाथ कोई लग गया या गुरुजी ने वहां बांट दिया तो उसको मिल गया, तो मैं बड़ी खुश हुई। अब स्वरूप भी ले आई घर में, तो फिर अब दुख दुखी लगी थी कि इसको फ्रेम करा के मैं अपने मंदिर में रखूं। तो अगले दिन मैं अपने एरिया के 2-3 फ्रेम वालों के पास गई, उनको मैंने बोला कि आप भैया इनको फ्रेम कर दो। तो कहें जी आप छोड़ के चले जाओ, आप कल ले लेना। मैं कहा छोड़ना नहीं है मुझे ये फ्रेम, कि मैं लेके ही जाऊंगी, आप कर दो, मैं घंटा 2 घंटा इधर उधर घूम लूंगी, आप करके दे दो। कि नहीं मैडम अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है रहने दो, मैं जो करेगा उसी को उसी से करवाऊंगी ये फ्रेम। तो इसी चक्कर में उन दिनों फिर मैं घर आ गई। फिर अगले दिन मैंने सोचा कि लाजपत नगर चली जाती हूँ, वहां पे अच्छी शॉप्स हैं थोड़ी बड़ी बड़ी, शायद वो जल्दी कर देंगे। तो मैं गाड़ी उठाई और लाजपत नगर चले गई। वहां मैंने एक दो शॉप्स बड़ी बड़ी से पूछा, मैंने कहा आप फ्रेम कर दो। हाँ जी आप छोड़ जाओ। मैं कहा नहीं आप अभी कर दो, मैं शॉपिंग कर लेती हूँ जब तक, फिर मैं लेती हुई चली जाऊंगी। कि नहीं मैडम अभी नहीं कर सकते। पर गुरु जी के प्लान अलग ही थे, उन्होंने शायद किसी और को ब्लेस करना था वहीं पे। तो मैं जैसे ही फ्रेम लेके थोड़ी घूम रही थी इधर उधर की कोई और शॉप मिले, तो एक छोटी सी शॉप थी वहां पे उनके शोकेस में थोड़े से फ्रेम पड़े हुए थे। अब मुझे नॉर्मल वो स्टील वाले फ्रेम नहीं चाहिए थे जैसे कि तब फोटोग्राफर्स के पास होते थे, मुझे अच्छा सा कोई फ्रेम चाहिए था। तो वहां मैंने देखा तो थोड़े डिफरेंट से ही फ्रेम पड़े थे, तो मैं शॉप में घुस गई। जैसे गुरु जी ही मुझे ले गए शॉप में और मैंने उनको पूछा, मैं कहा भैया एक फ्रेम दिखा दो इस फोटो के लिए। तो उसने कहा मैडम देखता हूँ अगर
इस साइज का कोई फ्रेम है मेरे पास, तो क्योंकि ये फ्रेम तो ऐसे रेडीमेड है, इनको हम एडजस्ट नहीं करते, यहाँ पे मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है एडजस्ट करने का। मैं कहा कोई नहीं आप देख लो मिल जाएगा तो ठीक है। तो अंदर गया, वो एक ही फ्रेम था उसके पास, उसको लगा कि वो आएगा और वो लेके बाहर आ गया। तो आंटी आप देख लो, ये मैम देख लो, अगर ठीक है करें। और वो फ्रेम जब हमने उसमें गुरु जी का स्वरूप लगाया तो यूं लगा जैसे वो फ्रेम स्वरूप के लिए ही बना था, इतना सुंदर वो लगा। और वैसा ही फ्रेम मुझे चाहिए था उस स्वरूप के लिए, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, उसको लिया और पैक करवा के घर आ गया। आते मैंने उसको सफा करके मंदिर में रख दिया। अब फिर वही सिलसिला हमारा चल रहा था, मंदिर जाने, लंगर प्रसाद खाना है, पर कोई ऐसी आगे बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं गुरुजी ने मुंडे की माँ को बुलाया, मुंडे की माँ पसंद आई है नहीं आई है, गुरुजी कोई बता ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग यूं ही बातचीत भी कर रहे थे आपस में, लेकिन कुछ मुझे इंडिकेशन कहीं से नहीं मिल रहा था। फिर थोड़े दिन बाद बातचीत शुरू हुई, फिर बच्चों का रोका हो गया, रोका हो गया। तो उसके बाद फिर हम बड़े खुश हो गए, चलो गुरु जी ने सब ठीक कर दिया, अब रोका भी हो गया। फिर उन दिनों में कुछ एक दो हफ्तों के बाद हम लोग फिर जैसे दरबार में बैठे हुए थे, तो फिर मेरे को गुरु जी ने ब्लेसिंग दी। एक अंकल आए, गुरु जी के हाथ में एक पाउच पकड़ा के चले गए। अब वो पाउच में से, उस बड़े पाउच में छोटे छोटे पाउच थे, उसमें से गुरु जी निकालते एक छोटा सा पाउच, उसको पकड़ते हाथ में, फिर किसी को बुला के फिर देते, फिर किसी को बुलाते इशारा करते फिर देते। इसी तरह गुरु जी ने, मैं भी गुरु जी के सामने ही बैठी हुई थी, सारा पाउच खाली हो गया, एक लास्ट छोटा सा पाउच गुरु जी के हाथ में रह गया। और गुरु जी ने बहुत देर वो पाउच अपने हाथ में ही रखा और अपने अंगूठे और छोटी उंगली के साथ, इंडेक्स फिंगर के साथ उसको ऐसे रब करते रहे, रब करते रहे, करते रहे। और मैं मन में सोच रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ कि सबको मिल गया, अब ये लास्ट पाउच रह गया, मेरे को तो नहीं मिलेगा जो कुछ भी है। अब गुरु जी के हाथ से चाहे वो एक कागज का टुकड़ा ही हो, चाहे वो एक पैसे का कॉइन ही हो, चाहे कुछ भी हो, एक ब्लेसिंग जब गुरु जी के हाथ से मिलने का जो आदमी फील करता है, जो संगत फील करती है, वो तो आप बयान करना जरा मुश्किल ही है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या, मेरी तो नहीं, मतलब मुझे नहीं मिलेगा ये जो कुछ भी है, कोई नहीं। मैं क्या ठीक है, जैसे गुरु जी की मर्जी। तो मैं अपने आंखें नीचे करके बैठ हुई थी, तो साइड से मेरी आंटी एक और अंकल थे, या पता नहीं आंटी थी, उन्होंने मेरे को ऐसे कंधा हिलाया कि आंटी आपको गुरु जी बुला रहे हैं। फिर मैंने देखा, एक्चुअली मुझे लगा गुरु जी बुला रहे हैं। तो जैसे ही मैं भाग के गुरु जी के पास गई मत्था टेका, तो गुरु जी ने वो पाउच मुझे पकड़ा दिया, जायश कर। मैं तो वहां पे मत्था टेका और गुरु जी से पाउच लिया और आके बैठ गई, और आके इतना रोई अपनी जगह में, इतना फूट फूट के रोई खुशी के मारे कि गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया और गुरु जी ने मुझे बोला जायश कर। इसी तरह से वो ले लिया। और फिर वो पाउच हमने गाड़ी में आके मैंने खोला, तो इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप पेंडेंट सिल्वर, छोटे से सिल्वर फ्रेम के अंदर लगा हुआ था। तो वो फिर जब से वो पेंडेंट मुझे मिला है, तो वो हमेशा मैं रोज सुबह उठ के उसको पहन लेती हूँ और रात को उतार देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगने लगा। फिर बच्चों की शादी की डेट्स भी आ गई, तो गुरु इन लोगों को था कि शादी दिसंबर के फर्स्ट वीक में रख लें, उनके अपने इश्यू से भी रिलेटिव्स हैं, ये है वो है। लेकिन जब हमारी आपस में बात हुई शादी के बारे में, तो मैंने बोला मैं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में नहीं रख सकती किसी भी हालत में, क्योंकि मेरे तो सारे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं और उनको दिसंबर एंड में छुट्टी होती है क्रिसमस हॉलीडेज में, मैं तो तभी रखूंगी। और एक ही मेरा रियल ब्रदर है वो बाहर है, उसके बिना तो मैं नहीं कर सकती शादी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो गुरुजी से पूछते हैं। फिर हम लोग गुरुजी के पास आए, तो सब लोग, काफी लोग जा चुके थे लंगर प्रसाद के बाद में, हम लोग ही बैठे हुए थे या दो चार संगत और थे। फिर गुरुजी ने आंटी को पूछा कि हाँ की कहंदे ने, आंटी ने बोला गुरुजी इतने दिसंबर एंड दे कहंदे ने शादी। गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं, तो फिर तद की हो गया, दिसंबर एंड रख लो, 25 तारीख रख लो या 26 तारीख रख लो, समथिंग ही सेड। तो आंटी ने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि गुरुजी ने कभी नहीं माना था कि दिसंबर 13 को, जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि तारा डूब जाता है या कुछ
ये बात है या वो वहम है। गुरु जी ने कभी किसी को कोई वहम में, कोई रंगों के वहम में, कोई दिनों के वहम में, कोई तारों के वहम में कभी नहीं डाला था। उन्होंने कहा ठीक है कोई गल नहीं, दिसंबर एंड रख लो। फिर हम लोग ने डिसाइड किया जी 25 दिसंबर की रख लेते हैं, क्रिसमस की छुट्टी है, मेरे रिलेटिव भी सब लोग आ जाएंगे और वैसे भी स्कूल भी बंद है, सब कुछ ठीक है। तो हम लोगों ने 25 दिसंबर की शादी रख ली। तो गुरु जी ने भी वो शादी अप्रूव कर दी, कार्ड छपने शुरू हो गए। अब कार्ड भी छपने शुरू हो गए तो मेरी डॉटर लॉ के साथ कभी कभी बात होती थी, कहती मॉम गुरु जी ना हर दो दिन के बाद 25-30 कार्ड मंगवा लेते हैं संगत में बांटने के लिए। तो फिर हम लोग सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई डिजाइनर कार्ड बनाए थे, फिर वो फटाफट फटाफट कार्ड बनते हैं, फिर वो मंदिर जाते हैं, फिर शाम को संगत में गुरुजी बांटते हैं। जो करते हैं घर आते हैं, गुरुजी ने बहुत सारे कार्ड बंटवा दिए उस दिन शादी के दिन। और हमारे भी इतने मेरे रिलेटिव्स आए, इतने रिलेटिव्स आए सारे बाहर से, कईयों के जैसे क्योंकि हमारे मेरे जो ब्रदर कजन ब्रदर्स हैं या मेरी फैमिली है तो काफी मेरे को लोग ना प्यार करते हैं अपनी फैमिली में। I'm quite a pampered child always. तो जैसे सबको शादी के बारे में था, सबको एक्साइटमेंट थी, कईयों के हॉलीडे प्लान्स बने हुए थे, कईयों के कई प्लान थे, लेकिन सबने अपने प्लान्स कैंसिल करके दिल्ली आने का प्रोग्राम बना लिया। इधर से गुरुजी ने भी जितने कार्ड बांटे थे, अब क्योंकि कार्ड गुरुजी के हाथ से मिला हुआ है तो कब ये बहुत ही लकी संगत होती थी जिनको गुरुजी अपने हाथ से कार्ड देते थे। तो वो संगत ने भी अपने प्रोग्राम चेंज करके, जो भी उनके वेकेशन प्लान बने हुए थे सब चेंज वेंज करके सबने शादी पे आने का प्लान बना लिया। अब उस दिन 25 दिसंबर को शादी थी और कितनी संगत आई, कहाँ कहाँ से संगत आई, गुरुजी भी आए, गुरुजी ने सबको इतना ब्लेस किया, बच्चों को, जितने गेस्ट बैठे थे उनको सबको। और देखो संगत जी उसी दिन वहां पे सुनामी आया था और इतने लोगों ने वहां जाना था जो उस टाइम पे अपने प्रोग्राम सब कैंसिल करके यहाँ शादी के ऊपर बैठे हुए थे और गुरुजी की ब्लेसिंग में थे। तो गुरुजी ने कैसे उन लोगों को सबको एक जगह में इकट्ठा करके ब्लेस कर दिया और कितनी प्रॉब्लम्स उनके सिर के ऊपर से निकाल दी, ये तो उनको ही पता है। और कोई बैठेंगे अब रियलाइज कर, बाद में करा लोगों ने कि अगर हम लोग वहां पे होते तो कितनी प्रॉब्लम में पड़ सकते थे। ये सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की ब्लेसिंग है। वो कब किसको कैसे ब्लेस करना चाहे उसका रास्ता भी वो खुद ही निकालते हैं और खुद ही बताते हैं। अब ब्लेसिंग का जहां तक है, मुझे 2003 में इनकी शादी से पहले से काफी प्रॉब्लम चल रही थी और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, इंटरनल ब्लीडिंग ये सब वो सब चल रहा था, HP हमेशा डाउन रहता था। तो डॉक्टर से बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा ठीक है आपको ना सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो मैं सर्जरी और फालतू के मेडिसिन से थोड़ा दूर ही रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब तक ये बहुत कोई मजबूरी ना हो जाए। तो उन्हीं दिनों में उसी साल 2004 में फरवरी में मेरी फ्रेंड के घर में कोई एक फेस रीडर आया, तो उसने मुझे फोन करके बताया कि मैं तेरे घर भेज रही हूँ उसको। मैं कहा चल भेज दे, मस्ती टाइप ही, चलो और कुछ नहीं तो मस्ती कर लेंगे थोड़ी सी। तो वो फेस रीडर भी जब आया तो उसने मुझे देखते ही बोला 2 मिनट के अंदर अंदर ही कि आपका ना यू आर गोइंग टू गो अंडर द नाइफ दिस ईयर, कोई नहीं रोक सकता आपको। मैं कहा नहीं नहीं मैं नहीं करवाऊंगी सर्जरी, सिर्फ कोई नहीं रोक सकता, आपकी प्रॉब्लम ऐसी कि आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो करवाएंगे। फिर हम लोगों ने घर में और डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे कि करवाएंगे, अच्छा चलो देखते हैं, फिर ये मेडिसिन ट्राई कर लेते हैं, ये मेडिसिन ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मामा जी बड़े सीनियर डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम करवाना चाहती तो लेट अस ट्राई दिस मेडिसिन और लेट अस फर्स्ट गिव इट अ शॉट, फिर देखते हैं क्या करना। पर फिर भी तुम्हें अपने HP तो कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना, 6-7 HP में सांस भी चल रहा है, ये भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी हो रही है, सो यू हैव टू टेक लाइफ लिटिल इजी। मैं कहा ठीक है जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे, लेकिन मुझे सर्जरी नहीं करानी। कहते अच्छा देखेंगे। अब वो फेस रीडर भी बोल के चला गया कि सर्जरी तो करवानी पड़ेगी आपको। तो मेरे अंकल ने भी बोला कि अच्छा बेटा ठीक है तुम घबराओ मत, हम देखते हैं क्या करना है। इन दिनों में फिर ये
शादी की बात शुरू हो गई, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लाइफ वही रूटीन में चलने लगी, वही हम लोग जाते गुरु जी के पास बैठते, लंगर करते, रात को 2-2 बजे तक गुरु जी के पास बैठे रहते, और गुरु जी हमेशा जाने के टाइम कहते चलो हुन चलो जाओ ऐश करो हो गया। तो इतने साल निकल गए, सडनली मैंने रियलाइज किया कि अरे मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही, अभी जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ गई और सर्जरी कहाँ गई, सर्जरी भी नहीं हुई, प्रॉब्लम भी मेरी ठीक हो गई, एचपी मेरा नॉर्मल होने लग गया। तो व्हाट हैपेंड, इट वाज ऑल गुरुजी'स कॉल एंड गुरुजी'स ब्लेसिंग दैट ही हैड कॉल्ड मी, और ये सब एक बहाना ही बनना था कि गुंडे दी मां नु बुलाया ऐ कर या ओ कर, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस करना था। और मतलब ये तो बहुत बाद में हमें पता लगा, मतलब पता भी क्या लगा, आदमी ने रियलाइज किया कि ये तो सब गुरुजी का अपना ही खेल रचा हुआ था कि उन्होंने ब्लेस करना था और उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया, सर्जरी भी मेरी अवॉइड हो गई, सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। तो बहुत अच्छा टाइम निकल रहा था गुरुजी के साथ। फिर सडनली जुलाई 31 मई को मार्केट से मैं कहीं आ रही थी तो मेरी डॉटर इन लॉ का मुझे फोन आया, तो कहती है कि रो रही थी फोन के ऊपर, मैंने कहा क्या हुआ बेटा रो क्यों रहे हो, कहती है निमा गुरुजी चले गए। तो मैंने कहा कहाँ चले गए गुरुजी, नॉर्मल फर्स्ट इम्प्रेशन ये होता है कि नॉर्मल पंजाब जाते रहते थे या जलंधर जाते रहते थे, तो मैं कहती तो कोई नहीं आ जाएंगे अगले हफ्ते, हमारा क्योंकि उसी दिन जाने का प्लान था शायद शाम को, तो मैं कहती शायद इसलिए बोल रही होगी कि गुरुजी चलेंगे तो आज हम नहीं जाएंगे। She's going on, मैं कहा आप रो क्यों रहे हो, फिर तो आ जाएंगे गुरुजी, फिर हम अगले हफ्ते चले जाएंगे। तो नहीं मोम गुरुजी इज नो मोर इस तरह से बोले। तो मैं एक्चुअली गाड़ी चला रही थी उस टाइम, सो आई हैड टू स्टॉप माय कार टू रजिस्टर इन माय माइंड की बोल क्या रही है। मैंने इसको फिर से पूछा तो देन शी टोल्ड मी, मैं कहा अच्छा चलो ठीक है आप मंदिर पहुंचो, मैं सीधे वहीं पे आती हूँ। तो मैं मंदिर में पहुंची, जब ये भी अपना आई हुई थी वहां पे, हम लोग मिले रास्ते में, तो दरबार के बाहर लाइन लगी हुई थी काफी लंबी, और गुरुजी हॉल में कैस्केट में लेटे हुए थे। चलते चलते सब लोग जैसे लास्ट गुरुजी के दर्शन करने के लिए एक साइड से जा रहे थे हॉल में परिक्रमा लेके, दूसरी साइड से बाहर आ रहे थे, गुरुजी को येलो चोले में लेटे हुए थे। तो जैसे ही मैं गुरुजी के साइड से निकल रही थी तो मैं गुरुजी ये एक ही बात मेरे मन में बार बार आ रही थी कि गुरुजी आप तो जा नहीं सकते हो, ये आपकी कोई लीला है जो आप हमें दिखाना चाहते हो, आप कहीं नहीं जाओगे मुझे मालूम है, आप हमें मिलो, आप यहीं पे रहोगे, ये आपकी कोई लीला है, बस माइंड में यही मेरे घूमता जा रहा था। तो ये घूमते घूमते अंकल ने मुझे पीछे से कहा आंटी चलो, तो हम दूसरी साइड से बाहर आ गए। बिल्कुल ये रजिस्टर नहीं हो पा रहा था कि हम जैसे गुरुजी को कभी नहीं देखेंगे, और बिल्कुल माइंड में ये बात आई भी नहीं टू बी वेरी फ्रैंक। मैं यही कह रही नहीं गुरुजी आप यहीं पे हो, ये आपका जरूर, ये हमारा भ्रम है जो आप हमें कुछ दिखा रहे हो लीला। फिर करके हम लोग सब घर आ गए, और फिर हमारा मंडे को रोज सुबह बड़े मंदिर में जाना शुरू हुआ। सुबह जाते प्रसाद खाते वहां पे, समोसा प्रसाद, कभी कुछ चाय प्रसाद मिलती है वहां पे, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग बैठ के सत्संग करते रहते थे, और बहुत अच्छा लगता था वहां पे सबके सत्संग सुनना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिलते थे, सबके सत्संग सुनना, चाय प्रसाद पीनी, अपने 2-3 घंटे मंदिर में बिताने, दोपहर को लंच तक घर आ जाना। जब मैं सुबह वहां मंदिर में जाती थी तो वहां हम देखते थे कि कुछ आंटी मूर्ति सेवा कर रही होती थी, तो कभी तो बैठना मिल जाता था दरबार में, कभी अंकल लोग कह देते कि नहीं अब चलो बाहर बाहर बैठो जाके। तो जब वो लोग मूर्ति सेवा कर रहे होते थे तो मैं बैठे होते थे तो यही सोचती रहती थी, मैं कही इतनी जोर जोर से सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा होगा इनको, कितना मजा आ रहा होगा। और उन्हीं दिनों में मेरे को फ्रोजन शोल्डर की वजह से बहुत ज्यादा पेन थी शोल्डर में, तो मेरे माइंड में यही होता था कि ये लोग इतनी जोर जोर से सेवा कर रहे हैं, अगर कभी मुझे बोल दिया गुरु जी ने कि तू सेवा कर तो मेरा तो कंधा ही नहीं उठेगा, मेरे तो कंधे में इतनी दर्द हो रही है। तो ये थॉट माइंड में लेके मैं माथा टेका और बाहर आ गई। तो एक हफ्ता निकला, दूसरे हफ्ते में वो कोऑर्डिनेटर आंटी ने मुझे बोला कि आप आंटी सुबह ना जल्दी आया करो, थोड़ा आप मूर्ति सेवा के लिए आया करो।
मैं तो हैरान हक्की बक्की रह गई। मैं कहा आंटी क्या कह रहे हो, कहती नहीं आप आया करो। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। अंदर से खुशी भी बहुत हो रही थी कि मतलब मूर्ति सेवा, गुरुजी की मूर्ति सेवा, शिव मूर्ति सेवा। तो मैं कहा अच्छा आंटी मैं अगले मंडे से आ जाऊंगी। फिर भी मैं अपने आप को ना हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं जाके वहां पे मूर्ति सेवा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। एक मंडे निकल गया, फिर दूसरे मंडे मैंने कहा नहीं मुझे सेवा मिली है मैं तो जाऊंगी, देख जैसे होगा आस्ते कर लूंगी, तेज कर लूंगी, जो भी होगा मैं कर लूंगी। अब हम शिव मूर्ति सेवा में पहुंच गए सुबह 6 बजे के करीब। तो वहां जैसे हम लोगों ने सेवा शुरू करी, सबसे पहले मुझे को आंटी ने यही करो कि आंटी आप ना गुरु जी की बैग से शुरू करो। जब वहीं पे मैं खड़ी थी उन्होंने कहा आप यहीं से शुरू करो कंधों से। तो हम लोग ने बैग से मैंने सेवा स्टार्ट करी और करते करते ऐसे हम पूरी परिक्रमा लेते थे। तो इसी तरह से सेवा करते करते मुझे पता ही नहीं चला, एक मंडे निकला, दो मंडे निकले, तीसरे मंडे तक मेरी शोल्डर पेन बिल्कुल गायब थी। और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं रहा कि मैं शोल्डर पेन की वजह से हम ठीक से रबिंग नहीं कर पा रही हूँ या कहीं पे हिचकिचाहट है या मैं प्रॉपर मूवमेंट नहीं दे पा रही हूँ, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा। तीसरे मंडे तक मैं ऑलमोस्ट ठीक थी और चौथे मंडे तक तो बिल्कुल ही ठीक हो गई थी और भूल ही गई कि मेरे को शोल्डर पेन भी हो रही है। तो ये भी गुरु जी का अपना ही एक तरीका था वो करने का, ब्लेस करने का और मेरे को ठीक करने का। और वहां मूर्ति शिव मूर्ति की सेवा करते टाइम हम कई बार देखते थे कि गुरुजी अपनी संगत की ना तकलीफें अपने ऊपर जैसे ले लेते थे। तो कभी उनके पैर सूजे होते, कभी आंखों में पानी होता, कभी आंखें खुली होती। तो यही सोचते रहते कि गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं कि उनकी हर प्रॉब्लम हर तकलीफ वो अपने ऊपर ले लेते हैं। यूं ही बैठे बैठे एक दिन हम लोग बाहर बैठे हुए थे तो मैं देख रही थी किचन में कुछ आंटी है व्हाइट टोपी पहन के ना अपना हेड कवर करके किचन में सेवा कर रही थी। हम लोग रात को लंगर के लिए गए हुए थे तो जब बाहर आके बैठे तो किचन वाली आंटी अंदर बाहर घूम रही थी सेवा कर रही थी। तो एक सेकंड के लिए मन में आया मैं क्या गुरु जी कभी मैं भी किचन में सेवा कर सकूंगी, क्योंकि एक बार ही मैंने इससे पहले एक आंटी जो जल्दी फ्री हो गए थे तो मैंने अंदर जाके किचन में बोला एक आंटी को आंटी मतलब मैं थोड़ी देर के लिए सेवा कर लूं। तो आंटी ने मेरे को नहीं 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 आंटी आप ऐसे नहीं सेवा कर सकती, यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है। मैं कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैं बाहर आ गई तो फिर बाहर बैठी तो मन में अगले हफ्ते बैठे हुए थे तो मन में ऐसे आया क्या गुरु जी कभी मैं इस किचन में ऐसे टोपी पहन के सेवा कर पाऊंगी, मुझे भी टोपी पहननी है ऐसे और घूमना है। तो फिर वैसे जैसे बच्चों की तरह मन में ख्याल आता है और मैं आके बैठ गई, फिर अपने लंगर प्रसाद किया, हाथ धोए घर आ गए। तो अगले दिन जब अगले मंडे की सेवा के लिए जब हम गए तो वहां हमारी आंटी ने बोला कि रूपा तुम गर्मी की छुट्टियों में किचन में सेवा करना चाहोगी। तो मैं तो फॉर ए सेकेंड लाइक ना आदमी को जैसे करंट सा लगता है खुशी के मारे, मैं क्या हाँ हाँ आंटी क्यों नहीं कर पाऊंगी। तो कहते नहीं हमारी ना किचन की कुछ आंटी है समर हॉलीडेज में बाहर जा रही हैं, तो वी आर शॉर्ट ऑफ आंटीज, तो अगर आप फ्री हो और आप अगर कहीं नहीं जा रहे तो आप प्लीज आ जाना 2-3 घंटे के लिए किचन में, क्योंकि उन दिनों में बहुत ज्यादा लंगर प्रसाद नहीं बनता था तो 2-3-4 बजे तक सब फ्री हो जाते थे। तो मैं कहा हाँ आंटी मैं जरूर आ जाऊंगी, अगर मेरा कहीं जाना भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैंसिल कर दूंगी पर मैं सेवा पे जरूर आ जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर अपनी डॉटर से आके बात करी, मैं कहा ऐसे ऐसे किचन में सेवा है आंटियों को शॉर्टेज है तो आप चलोगे मेरे साथ। तो वो भी एकदम से मान गई कि हाँ हाँ हम किचन सेवा में चलेंगे। तो ऐसे हम लोगों ने थर्सडे को किचन सेवा स्टार्ट करी, वो भी गुरुजी ने इस लायक समझा, वो आंटी के थ्रू हमें मैसेज मिला। तो टू स्टार्ट विद जब हमने करा था तो यही सोचा था कि 2-3 घंटे करेंगे और फिर हम आ जाएंगे वापस। करते कराते कब वो 2-3 घंटे 4 में बदले 5 में बदले, फिर वो सारा दिन की सेवा में बदल गए। ये सब गुरुजी की लीला है और हमारा घर आने का मन भी नहीं करता था, तो पूरा टाइम बस यही होता था कि यहीं बैठे रहें सेवा करें, फिर हम रात को लंगर प्रसाद करके तभी घर आते थे। उन्हीं दिनों में कुछ मेरे अंकल को हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही थी। तो एक दिन हमारे बेटे के घर में सत्संग था तो वो अपना
सत्संग खत्म होने के बाद दोनों पापा और बेटा नीचे, हमारे फिजिशियन था उसके पास चले गए। तो जब ये आए तो मैंने पूछा इनको, मैं कहा क्या बात है, तुम लोग कहाँ गए थे? कहते नहीं हम ऐसे ही नीचे, पॉप को ना गले में थोड़ी ऐसी इरिटेशन सी हो रही थी तो हम दिखाने गए थे। तो इनका क्या बोला डॉक्टर ने, नहीं कहते कुछ नहीं, उसने कहा कि एक दो टेस्ट करवा लेना और आपको ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो हम कल डॉक्टर को टेस्ट के लिए जाएंगे। निकाल जा ठीक है। तो हम लोगों की अगले दिन सेवा थी, हम अपना सेवा पे निकल गए, ये लोग दोनों जिन्हे अपने टेस्ट करवाने चले गए। शाम को आके पता चला तो निकल ठीक है, उन्होंने कुछ डाउट डाला हमारे माइंड में तो हमको एक टेस्ट और करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो वो हम करवाएंगे। देखा क्या हुआ, नहीं नहीं मोम घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कोई खुल के बात नहीं कर रहा था मेरे से, ठीक है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अच्छा ठीक है कोई नहीं, ठीक ही होगा। तो ये लोग फिर अपना थर्सडे था शायद, हाँ थर्सडे था, तो ये लोग चले गए वहां पे टेस्ट करवाने के लिए। टेस्ट करवाया तो वहां पे इनको जिससे टेस्ट करवाया था उसने बोला कि आपके फादर के गले में कैंसर है। तो तब इन्होंने वहां जब रिपोर्ट मिली तो मैसेज डाला मेरी बेटी के फोन के ऊपर और मेरे फोन पे कि पॉप को इस तरह से कैंसर डायग्नोस हुआ है फूड पाइप के पास, सो दिस इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट, सो वी वर नॉट टेलिंग यू, तो फिर बाकी आप शाम को जब आओगे हम डिटेल बात कर लेंगे। अब नेचुरली उस टाइम 6:30 बजे का टाइम था, सारा दिन तो हम लोग फोन अटेंड करते नहीं थे, तो जब चाय प्रसाद के बाद बैठे आधा घंटे का ब्रेक मिला तो तभी फोन ऑन किया था। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मैं कहा ठीक है बेटा अब घर चलते हैं, लंगर के लिए नहीं रुकते जाके, पता नहीं अब नेचुरली पॉप को भी पता लगा है कि अब कैंसर है, भी उनकी कैसी हालत हो रही है, व्हाट इज ही फीलिंग, व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स गो। तो जो हमारी किचन कोऑर्डिनेटर आंटी थी उनको भी थोड़ा रियलाइज हुआ कि हम लोग परेशान है, तो वो कहने लगी कि आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो, गुरु जी के दरबार में बैठे हो, अब लंगर करके जाना और अंकल के लिए भी लंगर ले जाना, आपको जल्दी दिलवा देते हैं लंगर। तो जैसे लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ हम लोगों ने लंगर किया और आंटी ने अंकल के लिए थोड़ा सा प्रसाद हमें पैक करके दे दिया। तो हम लोग जब घर आए तो सारी बातचीत हुई, तो हस्बैंड तो मेरे यूं बैठे हैं जैसे कि मतलब कैंसर ना हो गया, कोई गले में खांसी है या कुछ प्रॉब्लम है। कहते नहीं कुछ नहीं ऐसे ही, डॉक्टर्स तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं है तुम घबराओ मत। मैं कहा नहीं मैं तो घबरा ही नहीं रही हूँ, जब गुरु जी लुक आफ्टर कर रहे हैं तो मुझे घबराने की क्या बात है। कहते हाँ ठीक है। तो फिर मैंने अपने कजन से बात करी, ही इज अ वेरी सीनियर डॉक्टर, तो मैंने उसको बोला कि इस तरह से रिपोर्ट आई है तो क्या करना है बाकी, व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो कहते हैं उसने जब रिपोर्ट देखी तो उसने कहा दीदी सर्जरी तो करवानी ही पड़ेगी, इट्स बेटर टू गेट इट आउट, क्योंकि फूड पाइप के पास है, अंदर तक कहाँ तक है अभी तो कह नहीं सकते, अब वो डॉक्टर बायोप्सी करेगा, चेक करेगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो सर्जरी तो आपको करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने ही सारा गुरु जी के मेहर से सारा फिक्स अप करा मैक्स हॉस्पिटल में, वन ऑफ द टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ मैक्स हॉस्पिटल, उनके साथ मंडे की अपॉइंटमेंट हो गए। अब मंडे को मेरी सुबह सेवा होती है और उसने बोला था कि हम बायोप्सी की और ये इसका टाइम जो है वो रखेंगे 10:30-11 बजे का। तो बच्चे मुझे कहने लगे मैम 10:30-11 तो बोल रहे हैं, आप जाओ मंदिर, आप तो 8:30 तक फ्री हो जाते हो, आप सीधे मंदिर हॉस्पिटल आ जाना। मैं कहा ठीक है। मैं वहां से जल प्रसाद लिया, सेवा खत्म करी, जल प्रसाद लिया, अपना प्रसाद खाया और मैं सीधे हॉस्पिटल आ गई। वहां अभी अंदर बैठे हुए थे ये लोग, बेटी कर रहे थे, तो जब इनकी टर्न आई बायोप्सी के लिए सैंपल गया तो उसमें भी आ गया जी कैंसर ही है। तो अब मेन ऑपरेशन की डेट थर्सडे की फिक्स हो गई। अब देखो संगत जी, हर जो इनका टेस्ट था या इनकी सर्जरी हुई है, जो भी हुई है, गुरुजी ने अपने मेहर से मंडे थर्सडे को सारी अपॉइंटमेंट्स करवाई है। अब थर्सडे को फिर दुख दुखी लगी हुई कि थर्सडे है, फिर सेवा ना मिस हो, ये भी ना हो, वो भी ना हो, पर अब क्योंकि थर्सडे का ऑपरेशन था, अब थोड़े टाइम तो हम लेट होना ही था। फिर उस दिन मैं सेवा पे नहीं गई, फिर मेरी डॉटर गई और हम लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो ये वहां से जल प्रसाद लेके आ गई। और सर जी 10:30-11 बजे का ही टाइम था, सर जी के लिए अंदर गए और 3-4 घंटे लग गए, इनको बाहर नहीं आए।
और करते कराते नेचुरली हम लोग बाहर थोड़े रेस्टलेस हो रहे थे, पर डॉक्टर जब बाहर आया तो उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, सर्जरी भी बहुत अच्छे से हो गई है और मैंने इनके सारे लिम्फ नोड्स वगैरह सब निकाल दिए, ही इज नॉट अ क्लीन मैन नाउ, डोंट वरी, इज अ न्यू मैन। तो अभी इनको रात को हम इनको आईसीयू में रखेंगे और सुबह तक इनको, सुबह इनको बाहर ले रूम में लेके आएंगे, तो आप जाए तो एक एक करके जाके इनको मिल सकते हैं। तो मैं गई, फिर बेटा गया, तो नेचुरली ही वाज लिटिल अनकॉन्शियस टाइप अंडर द एनेस्थीसिया इफेक्ट, थोड़ी सी पेन में भी थे, सो वी डिडंट ट्राई टू टॉक टू हिम मच, लेकिन हिज स्पिरिट्स वर हाई, ही वाज नॉट इन लो स्पिरिट्स। तो गुरुजी की इतनी मेहर थी, फिर वहीं पे इनको मैंने गुरुजी का लॉकेट टच कराया माथे पे, मैं कहा घबराओ मत, सुबह तक हम कमरे में चलेंगे, सब ठीक है। तो ये इशारा नाना नाना का करें कि जैसे घबरा नहीं रहे हैं, सब ठीक है। सुबह इनको कमरे में शिफ्ट करना था, तो हम जैसे आईसीयू में लेने के लिए गए, तो बड़े मजे से वहां पे चेयर अपना बेड रेस करा हुआ था नर्स ने, और वहां बैठे अपना इधर उधर देख रहे थे, पेपर पकड़ के बैठे हुए थे कि जैसे पढ़ना है मुझे, पेपर पढ़ रहे थे। तो हम लोग बड़ा ही हंसे, फिर इनको बाहर हम लोग रूम में ले आए। रूम में ले आए तो नॉर्मल वही प्रोसीजर चलता रहा, सब कुछ होता रहा। अब मंडे आया, थर्सडे के बाद फिर मंडे आया, तो डॉक्टर ने एक दिन पहले ही कह दिया कि आप इज ओके नाउ, ब्लीडिंग सब स्टॉप हो गई है, बाकी तो ट्यूब लगी हुई है, खाना मुंह से तो देना नहीं है, सब ट्यूब से ही देना है, सो यू कैन टेक हिम होम इफ यू वांट टू। तो चौथे दिन डॉक्टर साहब ने हमें छुट्टी दे दी, तो मंडे को हम उनको घर ले आए। सब थर्सडे मंडे करते कराते 15 दिन के अंदर अंदर गुरु जी ने डायग्नोज भी करवा दिया कैंसर, ऑपरेशन भी करवा दिया, घर भी भिजवा दिया, ऑन वे टू रिकवरी, शुक्र है महाराज का। इतने मेरे को घर में आके भी मतलब हर चीज की सपोर्ट थी, सो इसलिए कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। खाना ट्यूब से जा रहा था, करते कराते सब चलता रहा, और मेरी मंदिर की आंटी, किचन की आंटियों की इतनी सपोर्ट थी मुझे, सब लोग बिना जाने बिना अंकल को कभी मिले नहीं थे, लेकिन फिर भी अंकल के साथ सबका ऐसे बॉन्ड सा बन गया था, इतना प्यार सब अंकल को करने लगे, कोई उनको सुपरमैन बुलाता था तो कोई उनको स्पाइडरमैन बुलाए, कोई ये सेवा के ये लंगर ले जाओ आंटी, अंकल के लिए ये ले जाओ, अंकल के थोड़ा सा हलवा प्रसाद ले जाओ, वो ये नहीं खा पाएंगे, चलो जल प्रसाद ले जाओ। इतना प्यार आंटियों ने मुझे दिया है, इतना प्यार अंकल ने वहां पे दिया है, और इतनी सपोर्ट दिया है कि मतलब ये गुरु जी की संगत ही अपनी संगत के लिए ऐसे कर सकती है। और आज तक वो लोग इतना प्यार करते हैं अंकल से, जब भी फोन आएगा मेरा हाल तो कोई बाद में ही पूछेगा, सबसे कोई पूछेगा मेरे स्पाइडरमैन का क्या हाल है, मेरे सुपरमैन का क्या हाल है, सब लोगों को बस यही चिंता लगी रहती है। और स्पाइडरमैन तो बस मस्त अपना घूम रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं, वो आज तक यूं मेरे से पूछते हैं इस बात को, 5-6 साल हो गए ऑपरेशन को, अभी तक मुझसे पूछते हैं कि तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके गए थे, मेरी किस बात की सर्जरी हुई है। तो हम भी फिर अब टाल देते हैं कि पेशेंट को याद नहीं है, सो आई ब्रिंग बैक द बैड मेमोरीज एंड टेल हिम कि नहीं जी आपको कैंसर हुआ था, उनके नहीं कुछ नहीं, थ्रोट इन्फेक्शन थी, अब ठीक हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब ठीक है। कहते ठीक है, ओनली थिंग इज ही कांट हैंडल स्पाइसेस, मिर्ची नहीं खा सकते ज्यादा, लेकिन जब लंगर प्रसाद आता है या मंदिर से कुछ भी आएगा वो उनको जरूर खाना होता है, तो इसलिए सब आंटी लंगर प्रसाद जरूर दे देते कि ये तो वो खा ही लेंगे, और कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे। सो ही इज एब्सोल्युटली हेल एंड हार्टी एंड डूइंग वेरी गुड। जब हम लोग गुरु जी के दरबार में बैठे होते थे, गुरु जी सामने गद्दी पे होते थे, तो गुरु जी कभी किसी आंटी से या किसी अंकल से कभी पैर दबाते थे अपने या हाथ दबाते थे, तो कभी मुझे ऐसा चांस नहीं मिला था, ना ही गुरु जी ने कभी बुलाया था कि तुम मेरे हाथ दबाओ या पैर दबाओ, लेकिन एक मन में जैसे होती थी क्रेविंग जरूर कि मैं गुरु जी के पैर दबाऊं या नहीं दबाऊं, गुरु जी मुझे भी दबाने हैं, लेकिन गुरु जी ने कभी नहीं ऐसा मौका दिया मुझे। लेकिन गुरुजी के महासमाधि के बाद ऐसी कोई सेवा नहीं थी जिससे गुरुजी ने हमें नहीं बख्शा, हर टाइप की गुरुजी ने सेवा करवाई, चरणों की सेवा, समाधि सेवा, शिव मूर्ति सेवा, हर टाइप की सेवा, मतलब गुरुजी ने जैसे खुशी कर दिया कि
ठीक है, तेरे को बहुत शौक था ना शिव सेवा करने का, तू हर टाइप की सेवा कर ले यहाँ पे, सब कर ले, क्योंकि सेवा तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती। सो ए से लेके जेड तक मंदिर में हम लोगों ने सेवा करी, और इतनी वहां सेटिस्फेक्शन मिलती थी सेवा के टाइम, इतना मजा आता था कि घर आने का तो मन ही नहीं करता था। बहुत प्यार दिया गुरु जी ने, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं, बहुत आशीर्वाद दिए हैं। अब शुरू से मैं बचपन से काफी पैम्पर्ड रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे कजन ब्रदर्स थे ज्यादा, एंड आई वाज ओनली डॉटर इन द फैमिली, तो काफी पैम्पर्ड और बहुत प्यार मिला। और इस तीसरे से जब अब जाके लगता है कि सब लोग बहुत दूर हो गए हैं, तो कभी बैठी होती हूँ, मिस करती हूँ सबको, तो फिर गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी आज मुझे एक हक चाहिए, गुरु जी मुझे आज प्यार करना है, मुझे हक चाहिए। तो उस रात गुरु जी जरूर, मेरे को लगता है 90% तो गुरु जी आके ड्रीम दर्शन जरूर देते हैं। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि मेरी मम्मी की बरसी थी और मैं भी बड़ी उदास से बैठी हुई थी, तो गुरु जी के स्वरूप के सामने वो कहते हैं, गुरु जी चाहे इंसान जितना भी बड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर एक जैसे छोटा बच्चा तो जरूर ही होता है। मैं कहा गुरु जी मुझे आज हक चाहिए, तो आंखों में भी मेरे पानी थे। ये बात कर सोचते सोचते मैं सो गई, और उसी रात गुरु जी मेरे ड्रीम में दर्शन दिए, और एक हॉल में गुरु जी बैठे हुए हैं दूर, व्हाइट छोले में दूर बैठे हुए, और वहां मैं एक कोने में बैठी हूँ। तो जैसे गुरु जी उंगली से बुलाते थे, तो उन्होंने उंगली से मुझे इशारा किया, और मैं जैसे ही गुरु जी के पास गई तो उनके चरणों में बैठी हूँ। तो की कंधे की गल है, तो मैं गुरु जी मुझे ना हक चाहिए, मेरा मन बहुत उदास है। तो कहते तो कोई ना, फिर क्यों हो गया? तो गुरु जी ऐसे खड़े हुए, उनका चंगा आ जा फिर। और जैसे ही गुरु जी ने अपनी बाएं खोली, मैं धड़ाम करके गुरु जी के गोदी में जाके से गिरी, और कस के उनको मैंने पकड़ लिया, और गुरु जी ने भी जैसे बाएं मेरी पूरी लपेट ली। और बहुत देर तक मैं बैठी वहीं रोती रही, और बड़ा मतलब मन ही नहीं हो रहा था कि गुरु जी को छोड़ू, और यही रोते रोते मेरी सुबह आंख खुल गई, और सुबह भी देखा तो मेरी आंखों में पानी ही था। इतना प्यार गुरु जी ने दिया, हर बार जब भी मैंने गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने जरूर मुझे ड्रीम दर्शन दिए, चाहे वो कोई ब्लेसिंग हो या किसी टाइप की भी ब्लेसिंग हो। इसी दिन ऐसे ही मेरा एक बर्थडे था, तो मेरा बर्थडे आता है 15 अप्रैल को, और 13 अप्रैल को विसाखी थी, तो हम लोग 13 अप्रैल विसाखी की डेकोरेशन करके घर आए। तो 14 की तो फिर छुट्टी थी, 15 को मेरा बर्थडे था, तो मेरे को मुझे तो जाना है। पर उस दिन संगत डे भी नहीं था कि मैं शाम को चली जाती, तो मैं सुबह ही चली गई गुरु जी से ब्लेसिंग लेने के लिए। तो वहां पे मंदिर बंद था, दीपक अंकल शायद बैठे हुए थे बाहर गेट पे, तो मैंने उन्हें बोला, मैं कहा मुझे अंदर बस 2 मिनट माथा टेक के आ रहे हैं मैं वापस, इनका चंगा आंटी चले जाओ। तो जैसे मैं ऐसे दरबार तक गई, दरबार तो बंद था, सीढ़ियों से मैंने माथा टेका और ऐसे घूम के वापस आ रही थी। तो समाधि के पास मैं गई आज्ञा लेने के लिए, तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरा बर्थडे है, मुझे आपने अभी तक कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, तो दरबार भी बंद था, अब मैं क्या करूँ? तो मैं कोई बात नहीं, फिर आप दे देना जब देना होगा, रात को दे देना, मेरा कोई यही लाभ था कि ड्रीम में आके गुरु जी मुझे दर्शन देंगे। तो फिर मैं बाहर निकल रही थी, जो हम लोगों ने जो बैसाखी वाले दिन डेकोरेशन करी थी, लहरिया कपड़ा लगाया था जॉर्जेट का। तो जैसे ही मैं वहां समाधि से बाहर निकल रही हूँ, तो वो कपड़ा एकदम से छूट के अपनी डेकोरेशन से बिल्कुल ऐसे मेरे ऊपर आके गिरा, और पूरे मेरे सिर में और पूरी बॉडी के नीचे तक। तो जैसे गुरु जी ने कहा कि ये ले तेरी बर्थडे की गिफ्ट, इतना सुंदर वो दुपट्टा बन गया, मैं उसको उठाया वहां से लेके आई लपेट के। तो दीपक अंकल भी देख रहे थे शायद, तो उन्होंने कहा कोई ना आंटी ले जाओ, मेरे को लगा पता नहीं उठाऊं के लोग है ना, फिर कहा नहीं नहीं आंटी थोड़ी ब्लेसिंग है तो ले जाओ। तो वो मैंने लिया दुपट्टा और अपने आके अलमारी में अपने कपड़ों में रख दिया। तो गुरु जी आपकी छोटी से छोटी जो है ख्वाहिश वो भी पूरी कर देती है, छोटे बर्थडे गिफ्ट, जैसे एक बच्चे को गिफ्ट चाहिए तो वो भी इसको दे दो। इसी तरह से जब मंदिर बंद होने से पहले गुरु जी को तो सब पता ही था कि मंदिर बंद होना है, बीमारी आने वाली है, या मंदिर लोगों ने अंदर आने के लिए भी तरसते हैं, तो हमारी शिव मूर्ति की सेवा होती थी। उससे मंदिर बंद होने के काफी टाइम पहले ही हमारी सेवा काफी कम हो गई थी, क्योंकि संगत मंडे की बहुत बढ़ गई थी। अब गुरुजी ने तो सबको ही ब्लेस करना होता है,
तो हमारी कोऑर्डिनेटर आंटी ने हमारे टर्न्स लगा दी थी कि महीने में एक दिन आप लोगों की बारी आएगी और बाकी टाइम आप बाहर बैठ के शिव पुराण के लिए कभी भी आ सकते हो सुबह पर, लेकिन शिव मूर्ति की बारी आपके 2 हफ्ते 3 हफ्ते छोड़ के आएगी। तो हमने कहा ठीक है जैसे भी आएगी, हम लोग अपने पहुंच तो जाते ही से टाइम पे। माता जी का फिर शिव पुराण पढ़ा, प्रसाद खाया और फिर घर आ गए। तो इसी तरह से मेरी बेटी ना शटल सेवा पे जाती थी। तो एक दिन वो मंडे का ही दिन होता था, तो जब वो घर में आई शाम के टाइम तो उसके हाथ में एक पैकेट सा था, तो आके उसने मुझे दे दिया। तो कहती है मामी आपके लिए। तो मैंने कहा क्या है बेटा। तो कहती है आप एक अंकल ने दिया है, बोला कि मामा को दे देना वो ही खोलेंगे इसको। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं खोल रही थी और मजाक भी कर रही थी, तो मैंने कहा कौन से अंकल मिल गए जो मेरे को तो जानते भी नहीं और क्या दे दिया। तो ऐसे लंप सट ऐसे लग रहा था, तो मैंने कहा तो गुड़ लिया है कोई अंबाला से। कहती है नहीं मामा आप खोलो तो मुझे भी नहीं पता क्या है, आप देखो तो सही क्या है, मुझे भी नहीं मालूम क्या। अंकल ने कहा मम्मी खोलेंगी तो आप ही खोलोगे इसको। तो हम न्यूज़पेपर में लपेटा था, लेयर बाय लेयर खोल रहे थे उसको, तो हंस भी रही थी मैं उसके साथ। तो मैं कहा मुझे तो गुड़ ही लगता है, इतना भारी भी है गुड़ी टाइप लग रहा है कुछ। तो मैं कहा चल कोई नहीं, हम खोल रहे थे। जैसे हमने उसका लास्ट लेयर खोला न्यूज़पेपर का, अगर मैंने उसको ठीक से ना पकड़ा होता तो खुशी के मारे मेरे हाथ से छूट जाता हूँ। इतनी सुंदर इतनी प्यारी शिव मूर्ति ब्रास की गुरुजी ने मुझे भेजी, ना मैं वो अंकल को जानती हूँ ना वो अंकल मुझे जानते हैं। जैसे गुरुजी को पता था कि सब लोग शिव मूर्ति सेवा जो करते हैं वो तरस जाएंगे सेवा करने के लिए या वहां हाथ लगाने के लिए भी, तो गुरुजी ने पहले ही उसका इंतजाम करा दिया और उस शिव मूर्ति मुझे भिजवा दी जो हमने अपने मंदिर में रखी है। और कभी जैसे मंडे आता है मुझे वो दिन और वो नजारे फिर आंखों के आगे आ जाते हैं कि कैसे हम लोग सुबह जाते थे मंदिर में, कैसे हम लोग सेवा करते थे, लेकिन वो कमी भी गुरुजी ने पूरी करा दी। अब गुरुजी यहाँ तो आपको इतनी ब्लेसिंग देते ही है, लेकिन आपके जो रिलेटिव्स हैं दूर दूर बैठे हुए हैं उनके साथ भी इतना प्यार गुरुजी देते हैं और इतनी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरा ब्रदर जो कि बाहर रहता है मुझे बहुत टाइम से बुला रहा था कि थोड़े टाइम आ जा मेरे पास टाइम बिता ले, पर मैं उसको यही कहती थी, मैं कहती तुम्हारे वहां पर कोई सत्संग वसंग तो होते नहीं है और मैं नहीं आ सकती, यहाँ मेरा रूटीन एक बना हुआ है, मंदिर जाना होता है फिर हमारे सत्संग भी इतने होते हैं वहां पे भी जाती हूँ मैं, तो मेरा मन लगा हुआ है वहां, तेरे पास आके मेरा दिल नहीं लगेगा। अगर तू फाइंड आउट कर ले कि वहां सत्संग होते हैं और कोई रूटीन बना सकता है तब तो मैं महीना 2 महीने तेरे पास आके काट सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। फिर आऊंगी भी तो 10 दिन के लिए आऊंगी बस, इससे ज्यादा नहीं। हमारी इसी बात पे नोकझोंक चलती रहती थी। वो कहता था कि नहीं महीने आने तो 2-3 महीने लगा, इतनी दूर आना भी है तो हफ्ते भर में क्या होगा, मन भी नहीं भरेगा। मैं कहा ठीक है चल तू सत्संग का पता कर। तो उसने वहां पे पता करा सत्संग, तो वहां तो इंडिया से भी ज्यादा सत्संग होते थे क्योंकि उसने तो कभी पता करा ही नहीं था पहले। फिर उसको मालूम पड़ा कि हर सैटरडे को वहां पे सत्संग होते हैं, फैमिलीज आपस में डांड लगा के जैसे यहाँ पे होते हैं वैसे ही वहां पे होते हैं। तो कहने लगा आ जा तू, यहाँ पे भी बहुत सत्संग होते हैं, मैं तेरे को मिस नहीं करने दूंगा कोई भी, तो आ जा। चलो सारा प्रोग्राम बन गया, हम लोग चले गए वहां कनाडा। अब वहां कनाडा ले जाने का भी गुरुजी का अपना ही एक कोई रीजन था, अपनी ही ब्लेसिंग उन्होंने देनी थी। वो भी बहुत साल से ना अपनी बेटियों की मैरिज की वजह से थोड़ा हो रहा था कि उनकी मैरिज नहीं हुई अभी तक, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे लड़के मिलेंगे, क्योंकि बेटियां उसकी बिल्कुल बड़ी प्यारी होमली टाइप इंडियन ट्रेडिशनल फैमिलीज के बिलोंग करती, वैसी वैल्यूज उनकी। उसको फिक्र ये लगी रहती थी पता नहीं कैसे लड़के कब मिलेंगे, अपने हिसाब से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, शादी नहीं हो रही शादी नहीं हो रही। तो जब मैं सत्संग पे वहां पे गई तो मैंने इनको दोनों बेटियों को भी साथ में लेके गई और ब्रदर को भी लेके भाभी को भी। मैं कहा चलो हम सब अब जाएंगे सत्संग में, वहां पे प्रसाद खाते हैं, लंगर प्रसाद लगाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग लेते हैं, और तुम लोग भी ना मैं तो जितने भी अटेंड करूंगी सो करूंगी, तुम लोग ये ऐसे रूटीन जाया करो सत्संग पे। कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी बुआ हम जाएंगे, हाँ जी बुआ हम जाएंगे, करते कराते। 2-3 सत्संग जो मेरे साथ थे उन्होंने अटेंड किए, फिर बाद में वो अपना जॉब वाली थी कभी सुन लिया सत्संग अपने फोन पे या यूट्यूब पे, पर कनेक्शन मैंने उनका टूटने नहीं दिया कभी, उनको
कोई सत्संग भेजो, कभी भजन भेजो, या फिर उनको जल प्रसाद के लिए इंसिस्ट करूं कि ये पियो ये पियो, ये ऐसे लंगर बनाओ, ऐसे घर में ऐसे करो, तो कुछ ना कुछ मैं उनको यहाँ से गाइड करती रहती थी। पर गुरुजी ने तो जो सोच रखा था उनको मिलना ही था। विद इन टू इयर्स दोनों बेटियों की शादी भी हो गई, विद इन टू इयर्स दोनों बेटियों का एक एक बेटा भी हो गया, एंड नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड एंड नाउ माय ब्रदर इज वेरी हैप्पी। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है कि कब उन्होंने किसको कहाँ पे बुला के ब्लेस करना है और किसको क्या देना है। नाउ दे आर ऑल्सो कनेक्टेड, चाहे वो सत्संग पे उनको जाने का टाइम नहीं मिलता बिकॉज ऑफ देयर डेली रूटीन्स and their jobs and small now kids in the house, but they are all very well connected with Guruji. अपने घर में हर छोटे बड़े फंक्शन में छोटा सा सत्संग कर लेंगी, और कुछ नहीं तो शुक्राना का वचन ही लगा के बैठ जाती हैं, हलवा प्रसाद बना लेते हैं। तो they are all, you know, become one family now. अब मेरा ब्रदर फिर मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि अब तो घर में भी कर लेते हैं और तेरा रूटीन भी बना हुआ है यहाँ पे, so you come back now because of the pandemic and all that everything was shut, so I did not even dare to go anywhere nearby, but I'm very happy for him and I'm very thankful to Guruji ki unhone itna unko bhi connect kara aur itna bachchon ko bless kiya. ab Guruji ko main kai bari baith ke bolti hu Guruji ke samne ki Guruji मैं आपके सामने बैठी होती हूँ या मैं आपसे कभी बातचीत करती हूँ, मुझे मालूम है मैं बहुत ज्यादा ध्यान लगा के नहीं बैठ सकती, ज्यादा मेडिटेशन नहीं कर सकती, पर गुरुजी आपको इतना तो पता ही है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे कैसे पता लगा कि आप भी मुझे प्यार करते हो। यही बातें हमारी आपस में गुरुजी के साथ चलती रहती है। अब गुरुजी को हमने सवाल किया, अब गुरुजी जवाब तो देते ही है, चाहे वो किसी भी तरीके से दे दे। तो यही एक बार एक आंटी के घर में सत्संग था, पर उस दिन दो सत्संग के मुझे फोन आए हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि किधर जाऊं, कौन सी कहां पे जाऊं, लेकिन इन आंटी के घर में ये सप्तजंग में रहते हैं, मेरा बहुत मन था जाने का क्योंकि मैं कभी भी इन आंटी के घर में नहीं गई थी। तो फिर भी मैंने रात को गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बता दो आज दोनों सत्संग में जाना है कल, तो मैं कौन से सत्संग में कहाँ जाऊं क्या करूं। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं उन्हीं आंटी के घर में दरबार में सबसे आगे गुरुजी के चरणों में बैठी हुई हूँ, तो और वहां पे सत्संग हो रहा है, हॉल भी उसके ड्रॉइंग रूम में जैसे उन्होंने दरबार बनाया हुआ था सारा गुरुजी ने मुझे दिखाया रात को। तो मैंने सुबह के गुरु जी का शुक्राना किया, उनका गुरु जी थैंक यू वेरी मच, मैं उन आंटी के घर में जाऊंगी आज। तो वो शाम को ही ज्यादातर सत्संग करती थी, तो मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक काफी था रास्ते में। अब मैं जैसे ही हॉल में पहुंची हूँ तो हॉल उनका एकदम भरा हुआ था, तो मैं मत्था टेकने के लिए जैसे कि मैंने देखा जहां गुरुजी ने दिखाया था कि मैं बैठी हुई हूँ, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कि गुरुजी आपने तो मुझे दिखाया था कि वहां मैं बैठी हूँ, वहां तो एक आंटी बैठी हुई है, अब फिर मैं कहाँ बैठूंगी। तो यही करते करते मैं गुरुजी के चरणों के पास पहुंच गई मत्था टेकने के लिए। बस मन में ये ख्याल था, मैं कहा कोई नहीं गुरुजी यहाँ पहुंचा दिया आपने, तो मैं कोई नहीं बाहर वाले कमरे में बैठ जाऊंगी, जहां जगह मिलेगी बैठ जाएंगे। तो जैसे मैं मत्था टेक के उठी हूँ तो वो आंटी जो जहाँ बैठी हुई थी वो खड़ी हो गई, तो कहती है रूप आंटी अब यहाँ बैठ जाओ मैं जा रही हूँ। मैं तो गुरुजी को फॉर अ सेकंड देखते देखते एकदम जैसे काम से गई कि गुरुजी आपने जहाँ दिखाया था वो आंटी को भी आपने अभी उठा के यहाँ से भेजना था। वो एकदम से जैसे मैं उठी और उसी स्प्लिट सेकेंड में वो वहां से उठी और बैठ गई, बोली आंटी अब यहाँ बैठ जाओ। तो जब वो चली गई मैं बैठ गई वहां पे, और हमने फिर बैठ के वहां पे मैंने सत्संग अटेंड किया, अंकल ने प्रसाद खिलाया। अब क्योंकि मैं लेट पहुंची थी तो मेरे मन में हो रहा था कि अब अंकल यहाँ से प्रसाद ले गए, पता नहीं तो अब कब मुझे मिलेगा। भूख भी लगी हुई थी क्योंकि बहुत देर से निकली हुई थी घर से। तो थोड़ी देर बाद एक अंकल आए प्रसाद, चाय प्रसाद और प्रसाद लेके, और वो साइड से लेके चले गए। उनको रियलाइज नहीं हुआ कि वो आंटी जिनको वो पहले दे गए थे वो चली गई है और उनकी जगह में मैं बैठ गई हूँ। तो उन्होंने सोचा ये वाला एरिया मैंने कवर कर लिया है, तो उधर से चले गए। मैंने भी कुछ नहीं कहा, आंखें बंद करके बैठी थी, मैं कहा कोई नहीं गुरुजी आपको पता है। तो
थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद जो जिनके घर में सत्संग था वो अंकल आए प्रसाद लेके और सीधा मेरे पास ही आए, चाय प्रसाद और जो भी प्रसाद था, आंटी प्रसाद। तो मैंने उनसे प्रसाद लिया, मैं बड़ी खुश, मैं कहा थैंक यू गुरु जी, भूख भी लगी हुई थी, प्रसाद भी मिल गया। तो बाद में वो अंकल ने मुझे बताया, कहते हैं जब मैं उधर बैठा हुआ था पीछे वाले कमरे में, गुरु जी मुझे बार बार कह रहे हैं कि वो आंटी ने प्रसाद नहीं मिला, जाओ आंटी ने प्रसाद दे के आओ। तो मैं तभी आपके पास प्रसाद लेके आया था। मैं कहा थैंक यू गुरु जी, कितना ध्यान रखते हो आप, थैंक यू सो मच। अब जब सत्संग खत्म हुआ तो हम लोग खड़े हुए, तो एक आंटी नोएडा से आते हैं, तो वो पीछे ही बैठी हुई थी, वो पहले की बैठी हुई थी, लेकिन उस टाइम तो कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब सत्संग खत्म हुआ तो हम लोग उठ के एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो आंटी आके ना सीधे मेरे गले में हाथ डाला और मुझे जफ्फी डाल के खड़ी हो गई। तो मैंने भी पहचानती थी उन्हें, हम बहुत काफी पहले सत्संग पे मिलते थे। तो मेरे को कहने लगी कि आंटी आज तो मैं कुछ और भी मांगती ना तो शायद गुरुजी वो भी दे देते, पर आपको मिला के तो गुरुजी ने बिल्कुल बहुत ही अच्छा किया और आपके लिए गुरुजी का एक मैसेज है। मैं कहा आंटी चलो अभी गले पकड़ते रहते हैं एक दूसरे को, जब भी जरा कस के मार लेते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ हग करने में और प्यार करने में। तो फिर आप मुझे बताओ गुरु जी का मैसेज क्या है, साइड में खड़े होकर। फिर कहती है आंटी गुरु जी ने मुझे दिखाया और बोला कि उन्हें कह दे कि मैं भी उन्हें बड़ा प्यार करना, वो मैंनू पता है वो मैंनू बहुत प्यार कर दी है, लेकिन मैं भी उन्हें बहुत प्यार करना, तो उन्हें कह दे जाके। अब मैंने गुरु जी से सवाल किया था थोड़े दिन पहले कि गुरु जी आप भी मुझे प्यार करते हो कि नहीं करते, और गुरु जी ने वो उन आंटी के थ्रू मुझे मैसेज भी पहुंचा दिया कि उन्हें कह दे मैं उन्हें बहुत प्यार करना। मैं इतनी खुश हुई, फिर मैं उनको चुप्पी पाड़ के खड़ी हो गई और रोने लग गई। मैं आंटी आप, मैं बता नहीं सकती कि आपने मुझे ये मैसेज दे के कितनी बड़ी खुशी दी है, कितना बड़ा आपने मुझे मैसेज दिया गुरु जी। और ये फिर मैसेज गुरु जी ने एक बार ही नहीं, 3-4 डिफरेंट डिफरेंट आंटीज के थ्रू मुझे दिया। एक बार हम सत्संग पे गए हुए थे, तो वहां जैसे मैं मत्था टेक के उठी हूँ तो दूसरी आंटी जो बैठी हुई थी उनको गुरु जी ने बोला कि ए ना मेरे नाल बड़ी खुश रहती है, ए मैनू बहुत प्यार करती है, मैं भी इनू बहुत प्यार करना। वो आंटी ने भी मुझे सत्संग के बाद में बताया कि गुरु जी कह रहे हैं कि ए मैनू बहुत प्यार करती है, मैं भी इनू बहुत प्यार करना। तो इस तरह से गुरु जी आपके प्यार को, आपकी उसको कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर होने देते और ना ही कभी आपको निग्लेक्ट करते हैं। इतना वो अपनी सेवा संगत से प्यार करते हैं हर जगह हर सांस में, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर में हो, गुरु जी हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो अपनी संगत को एक स्क्रैच तक नहीं आने देते कभी कहीं पे। इसी तरह से मैं लाजपत नगर में एक दिन शॉपिंग करने गई हुई थी, तो वहां जैसी छोटी छोटी शॉप है, ड्राई फ्रूट की शॉप है, तो मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट खरीदा और मैंने उसको बोला कि दो बिल बना। तो सडनली शॉप में इतने कोई लोग भी नहीं थे, कोई भीड़ भड़ाका नहीं था, दो लोग मेरे आगे खड़े हुए थे तो मैं ऐसे खड़ी हुई थी, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। तो जो मेरे पहले आगे खड़ा था उनका बिल बना रहा था, तो दूसरा आदमी मेरा बिल बना रहा था। तो फिर मुझे सडनली कुछ और चीज याद आई, तो मैंने उसको बोला कि ये भी ले आओ। तो जैसे ये बातचीत हुई तो सडनली मुझे लगा जैसे पीछे से ना मेरे कंधे से किसी ने मुझे आगे की तरफ धक्का दिया। तो मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, तो मतलब और उसके बाद विद इन स्प्लिट सेकेंड जैसे मैं आगे हुई हूँ एक कदम, जहां मैं पहले खड़ी थी वहां पे छत से इतनी मोटी लोहे की क्लॉक उसकी पता नहीं दीवार पे लटकी हुई थी, कहाँ थी वो, एकदम झमक करके नीचे आके गिरी। और जहां मैं पहले खड़ी हुई थी अगर मैं वहीं पे खड़ी होती तो वो क्लॉक सीधी मेरे सिर पे गिरती और वो शीशा और वो जो कुछ भी उसमें था वो कहां कहां मुझे लगता मुझे नहीं मालूम। और उस टाइम पे मैं कहां पहुंचती जाके ये भी कुछ आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। पर विद इन स्प्लिट सेकेंड मुझे जो पीछे से धक्का लगा एक सेकेंड का और मैं आगे हुई, उसी धक्के ने मुझे बचाया। और वो धक्का और कोई नहीं दे रहा था, मेरे गुरुजी ही थे जो मुझे कह रहे थे कि थोड़ी अग्गे हो जा। और उसके बाद में बस माइंड में मेरे यही घूमता रहा कि इधरों चली जा इधरों चली जा, और मैं
मैं तब उसको लड़के को बोला, मैं कहा तूने भेजना था सामान मेरे साथ भेज दे, वरना मुझे नीचे, मैं जा रही हूँ। वो भी घबरा गए जब घड़ी गिरी नीचे कि नहीं नहीं मैम आप बैठो एक मिनट, देखो आपको लगी तो नहीं, आप प्लीज 2 मिनट बैठो। मैं इतनी ज्यादा नर्वस हो गई कि मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, ना मैं किसी से बात कर पा रही थी कि नहीं आप प्लीज बैठो, ऐसे मत जाओ, 2 मिनट बैठो। मैं कहा नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे यहाँ से जाना है बस। और देखा मैंने, उन लोगों ने भी देखा, ना मेरे पैर में कहीं स्क्रैच, ना मेरे कंधे में कहीं स्क्रैच, कुछ नहीं एकदम से। और घड़ी चूर चूर होके कहां कहां तक उसके शीशे और टुकड़े पहुंचे, और गुरुजी ने मुझे एक स्क्रैच तक नहीं लगने दिया। और एकदम से फिर मैं वहां से अपनी गाड़ी में आके बैठी हूँ, फिर वहां बैठ के रोई हूँ। मैं कह गुरुजी आप कितना प्यार करते हो, इस बात का अंदाजा बताना और कहने में बहुत फर्क है। और फिर बहुत देर में रोती रही, और अपने आप को जब मैंने थोड़ा कंट्रोल किया तब मैंने गाड़ी चलाई और घर की तरफ मैं निकल पड़ी, और राम राम से फिर मैं घर आई। अभी कुछ रिसेंटली एक ही बात है, तो मैं गुरुजी से बैठी बात कर रही थी, मैं कहा गुरुजी वो दिन याद आते हैं कि जब आप अपने हाथ से हलवा प्रसाद देते थे और हम लोग बाहर आके खाते थे, चुप चुप के छुपाने की भी कोशिश करते रहते थे, लेकिन वो इतना ज्यादा और गर्म होता था कहीं छुपा तो सकते नहीं थे, खाना ही पड़ता था। अब वो दिन याद आते हैं, गुरुजी प्लीज एक दिन हलवा प्रसाद मुझे खाना आपके हाथ से। तो उसी दिन गुरुजी ने मुझे रात को ड्रीम में दिखाया कि हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, तो एंट्रेंस हमारी मंदिर में पीछे की तरफ से हो रही है, किचन की तरफ से लाइन लगी हुई है। तो अंकल को मैंने पूछा, मैं कि अंकल पीछे से क्यों जा रहे हैं आज, मेन गेट से क्यों नहीं जा रहे हैं? कि ये गुरुजी का हुक्म है, सब पीछे से जाएंगे। तो हम लोग पीछे से अंदर एंट्री कर रहे हैं, फिर गोलोक रूम में जा रहे हैं, वहां से फिर दरबार की तरफ जा रहे हैं। वहां पे गुरुजी की गद्दी पे माथा टेक रहे हैं, तो गुरुजी माथा टेका हमने, तो वहां मुझे गुरुजी नहीं दिखे, गुरुजी की गद्दी है, फिर माथा टेका तो आ गए। तो मैं देख रही हूँ आगे लाइन लगी हुई है, तो जहाँ पे दरवाजा है मेन हॉल का, वहां एक टेबल रखी हुई है, और टेबल ऊंची टेबल है, और ऊंची टेबल के ऊपर एक कुछ पड़ा हुआ है, तो कुछ प्रसाद टाइप चीज है, क्योंकि लाइन लगी हुई है मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो जैसे मेरी बारी आती है तो देखती हूँ, तो एक हाथ दिखा मुझे, वो प्रसाद उठाता है। वो प्रसाद क्या है गुरुजी का, वो लंगर प्रसाद का हलवा प्रसाद है, जो गुरुजी हमें एम्पायर स्टेट में देते थे। तो गुरुजी ने जैसे ही वो हाथ से हलवा प्रसाद मेरे हाथ में डाला, प्रसाद एकदम मेरे हाथ वैसे ही भर गया जैसे एम्पायर स्टेट में भरता था। और मैं एक कदम और आगे आई हूँ तो देखा, मैंने कहा अरे गुरुजी आप तो यहाँ खड़े हो, गद्दी में तो मैं देख रही थी, आप गद्दी में मुझे दिखे ही नहीं। और गुरुजी ने इतनी प्यारी सी स्वीट सी स्माइल मुझे दी, जैसे वो दरबार में एम्पायर स्टेट में देते थे हलवा देने के टाइम। और देखा मैंने गुरुजी ने व्हाइट कलर की पैंट पहनी हुई है, ब्लू कलर की शर्ट डाली हुई है, और वैसे ही उन्होंने उसी स्टाइल से बिल्कुल हलवा प्रसाद दिया, और उन्होंने अपना हाथ हिला के जायज का उन्हें आगे कर दिया। फिर मैं आगे 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 जैसे जैसे लाइन चलती रही, फिर मेरा नींद भी खुल गई उसी के साथ ही। इसी टाइप से छोटे छोटे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने इतने दिए हैं, तो इतना ब्लेस किया कि इन सबको बताना एक ही बारे में मुश्किल है। सो अगली बारी से फिर कुछ सुनाऊंगी मैं आपको। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग, शुक्राना मेरे मालिक इतने प्यार का, इतनी ब्लेसिंग्स का। सॉरी गुरु जी सुनाने के टाइम बहुत गलती हो गई है, क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा ड्राई हो जाता है और मैं एक ही बारे में को बहुत बोल भी नहीं पाती हूँ। सॉरी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साथ संगत जी, जय गुरु जी रूपा सूद आंटी जी। शुक्राना आंटी, शुक्राना गुरु जी। रूपा सूद आंटी जी, आपको शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू आंटी, ब्यूटीफुल सत्संग सुनाने के लिए बहुत अच्छा लगा। आंटी आप इतनी ब्लेस संगत है, इतनी लकी है, गुरु जी के हाथों से आप मीन्स लाइक आपको स्वरूप मिला, जा ऐश कर आपको सुनने को मिला, जो हम लोग तरसते हैं किसी से भी सुन ले। मीन्स और क्या मांगे आपका, सत्संग सुन के सोच रही थी हाउ लकी यू आर आंटी, आप लोग जो गुरुजी से मिल चुके हो, इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने आपके बच्चों को, हस्बैंड को, आपको,
आपको इतने ड्रीम दर्शन आते हैं लाइक और लाइक वी मेनी ऑफ अस कुड कनेक्ट जी आंटी लाइक कुड कनेक्ट जी की गुरु जी हमारे साथ है हर दम है हर पल है वो हमारा सुनते हैं बिल्कुल ठीक आंटी जैसे आप बता रही थी बर्थडे में कुछ मांगना शायद बहुत संगत कुड कनेक्ट दैट गुरु जी सच में सुनते हैं लाइक बिल्कुल सो आंटी बहुत अच्छा लगा and I'm sure Suresh uncle Shukrana Guruji Maharaj the platform ये Shukrana Guruji Maharaj the multilingual platform आपको फिर से बुलाएंगी फिर हम आपका सत्संग फिर सुनेंगे आंटी गुरुजी से अरदास है जी गुरुजी से अरदास है सबका कल्याण कीजिए गुरुजी सब पे अपने मेहर बनाए रखिए Shukrana Guruji अब हम सब गुरुजी से आज्ञा लेंगे Over to our host, please. Shukrana Guruji, Agya Maharaj, Shukrana Guru Papa, Nantam Shukrana Sarbada Palakana Guruji, Yang Sangsai Renda Shukrana, Roti Ditti Khanu Da Shukrana, Serte Hath Fere Guruji, Shoda Shukrana, Shukrana, Sadibha Falanda Shukrana, Agya Mere Guru Papa, Agya, thank you so much for everything. Thank you, Anantam, Anantam, Shukrana, Guru Papa, Agya, thank you. Shukrana, Agya Guruji. Shukrana Guruji, Anantam.